खरगोन जिले के सेगांव स्थित प्रसिद्ध श्री लालबाई फूलबाई मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से पधारे परम पूज्य ब्रह्म ऋषि डॉक्टर राम विलास वेदांती महाराज के मुखारविंद से श्रद्धालु कथा का रसपान कर रहे हैं। वहीं हमारे सहयोगी संजय जायसवाल ने राम विलास वेदांती महाराज से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक देश एक कानून की मांग की। आइए जानते हैं उन्होंने भव्य श्री राम मंदिर को लेकर क्या कहा। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। गुरुदेव माता जी के मंदिर में आपके द्वारा 9 दिवसीय वाल्मीकि श्री राम कथा सुनाई जा रही। आपका द्वितीय बार आगमन हुआ, आपको सेगांव आगमन में कैसा लग रहा है? गुरुदेव आने में मुझे बहुत अच्छा लगा। माता जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में मोहन भाई जी ने मुझे जो बुलाकर यहाँ के लोगों को वाल्मीकि रामायण सुनाने के लिए मुझसे निवेदन किया था, मैंने 9 दिनों तक लगातार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि वाल्मीकि रामायण जैसी कथा विश्व में और कोई कथा नहीं। राम कथा का श्री गणेश महर्षि वाल्मीकि ने किया था 1973 में। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद प्राप्त राज्य श्रीरामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत। रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया, तो भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद महर्षि वाल्मीकि ने सुंदर वाल्मीकि रामायण की रचना अरण्य में किया था। इसलिए उस वाल्मीकि रामायण की कथा का ही अनुकरण सभी लोगों ने किया है, चाहे महर्षि वेदव्यास जी हो। काव्यात्मक ग्रंथ इस ब्रह्मांड में पहली बार वाल्मीकि के मुखारविंद से आया, और वाल्मीकि ने जो राम कथा लिखा है वो अद्भुत राम कथा है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में अंतर यही है कि रामचरितमानस पढ़कर लिखा गया है, देखकर लिखा गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण भगवान राम के चरित्र को जैसे देखा वैसे लिखा। भगवान राम का चलना, हंसना, उठना, बैठना, बोलना सब कुछ महर्षि वाल्मीकि ने अपनी आँखों से देखा। इसलिए वाल्मीकि रामायण पढ़कर नहीं लिखा गया, वाल्मीकि रामायण देखकर लिखा गया। जैसे राम का चरित्र था, हसितम भाषितम चैव गतिर्यचेष्टितम तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के चरित्र को अपनी आँखों से देखा और जैसे देखा वैसे लिखा। इसलिए ये वाल्मीकि रामायण की रामकथा ओरिजिनल रामकथा है, इसमें किसी प्रकार की बनावटी नहीं है। इसलिए इस वाल्मीकि रामायण पर ही मैंने PhD किया है, और PhD करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राम का जो चरित्र देश में लोगों के बीच में जाना चाहिए, अभी तक इन्हीं लोगों ने राम के चरित्र को देश की जनता तक पहुंचाने का काम नहीं किया, जो काम महर्षि वाल्मीकि ने किया था। जन जन के बीच में, समाज के हर वर्ग के बीच में महर्षि वाल्मीकि ने राम को ले जाने का प्रयास किया, चाहे वो अरण्य हो, चाहे जंगल हो, चाहे निषाद हो, चाहे केवट हो, चाहे भील हो, चाहे सबेरी हो, चाहे लंका के उन राक्षसों के बीच में जिन लोगों ने राम को देखा तो उनका राक्षसत्व समाप्त हो गया, चाहे वो दंडकारण्य हो, चाहे किष्किंधा हो, चाहे पंचवटी हो, चाहे चित्रकूट हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।